हाय शो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें सबसे पहले तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि MA NF की जो स्कॉलरशिप है उसे हटा दिया गया है, और साथ ही जो इंतजार कर रहे थे NFSC और NFOBC उनकी लिस्ट जो है वो जल्दी ही यहाँ पर जारी होने वाली है। अब इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक मैं लेकर आया हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, और अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन जो कि AV गुरुजी नाम की है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ पर डियर सबसे पहली बात वो ये है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप यानी कि MANF की जो स्कॉलरशिप है, पहले ये कहा जा रहा था कि कम से कम जो अटेम्प्ट अभी हुआ है जुलाई सितंबर और अक्टूबर में उसके लिए तो कम से कम इन्हें जो स्कॉलरशिप है वो जारी कर देनी चाहिए, लेकिन अब ये क्लियर कर दिया गया है कि ये 25/11 को चाहे नोटिस ये रिजल्ट के बाद में निकाला गया है, लेकिन ये एप्लीकेबल हो गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। तो अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, तो इस दौरान भी अगर एग्जाम हुआ है तो भी MANF एप्लीकेबल नहीं होगा। एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंतजार था, लेकिन ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि फाइनेंशियल ईयर जब शब्द लिख दिया गया तो अब जुलाई में चाहे एग्जाम हो, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो, तो वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। नोटिस चाहे 25/11 को निकाला गया बट यहाँ पर MANF अब एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं डियर NFSC और NFOBC। तो यहाँ पर देखिए, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज असाइंड द सेंट्रल नोडल एजेंसी, सेंट्रल नोडल एजेंसी यहाँ पर बनाई गई है फॉर इंप्लीमेंटिंग नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्कीम। ऑल स्कॉलर्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कोरेस्पोंड NSFDC। तो यहाँ पर जो है वो ईमेल कर सकते हैं, और ये एक ईमेल आईडी बताई गई थी। तो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है वो ईमेल किया था, और उस ईमेल में इन्होंने मेंशन किया था स्टूडेंट ने टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलिवेंट अथॉरिटीज के बताया था कि 56 दिन हो चुके हैं रिजल्ट डिक्लेयर हुए, लेकिन अभी तक NFSC NFOBC की लिस्ट जारी नहीं की गई थी, और UGC के नेट के एप्लीकेशन जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, जो आप जानते हैं अभी किए गए हैं। तो आई वॉन्ट टू टेल दैट दिस कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो कन्फ्यूज हैं कि आखिर उन्हें नया फॉर्म भरना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। तो इस तरह से उसने CC भी बताया, कार्बन कॉपी यहाँ पर भेजी गई अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, और उसके बाद में जो रिप्लाई आया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पर था। NBSCFDC की तरफ से ये रिप्लाई आया है जिसमें ये बताया गया है द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडर NFOBC स्कीम विल बी पब्लिश सून। तो ये ऑफिशियल ईमेल भेजा गया है NBCFDC NFOBC के द्वारा, और ये वेबसाइट और ये सब चीज मैंने आपको अभी अभी दिखाई थी, तो वहां से बताया गया कि जल्दी ही ये लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो ये कंप्लीट अपडेट आप सभी के लिए था। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आप फरवरी मार्च में होने वाले नेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस आपके लिए निकाला गया है। नए साल के मौके पर स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए है कि पेपर 1 कंप्लीट आप सभी को यहां पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1999 में, और अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो आप उसके कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं 1999 में। बहुत ही मिनिमल फीस यहां पर ली जा रही है, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल रखा गया है, और इतना बड़ा डिस्काउंट सिर्फ नए साल के मौके पर आपको दिया जा रहा है। तो आप इसे जरूर ग्रैब कीजिएगा, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। AB गुरुजी के एप्लीकेशन पे जाइए और इजिली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कमाल धमाल तरीके से सब चीजें यहाँ पर कवर की गई है, फायदा आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग सारी की सारी अवेलेबल है, काफी सारे PDF के नोट्स वगैरह हैं, MCQs वगैरह भी हैं, वो सब चीज का फायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये अपडेट। मैं जानता हूँ कि MANF स्कॉलरशिप बंद होने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नुकसान होगा, बट किया क्या जा सकता है। हालांकि बहुत सारे जगह पर इसके लिए आवाज भी उठाई गई है, बट देखते हैं मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं। बट ये अभी के लिए आपका अपडेट था। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक ये दोनों के दोनों अपडेट्स पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए AB गुरु जी को और करे अपने UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।